सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आफ्टर इफेक्ट बेसिक टू एडवांस। आफ्टर इफेक्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ हम करके एक प्रोफेशनल आउटपुट ले सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट एक्चुअल में क्या है, मोशन ग्राफिक्स और VFX, विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन, सब जगह पे आफ्टर इफेक्ट का मैक्सिमम यूज़ हो रहा है। तो मैं आज से आफ्टर इफेक्ट की एक नई पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम आफ्टर इफेक्ट को इन डेप्थ में देखेंगे, उसके बेसिक टूल्स से लेके एडवांस उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। एक नया यूज़र कोई भी है जो आफ्टर इफेक्ट सीखना चाहता है तो वो इस वीडियो को देख के सीख सके, और जिसको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या है और हम किस तरह से आफ्टर इफेक्ट का प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या तो फिर सोशल मीडिया हो। तो आज से हम नया एक आफ्टर इफेक्ट का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको आफ्टर इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर इफेक्ट क्या है। तो आफ्टर इफेक्ट जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो एडोबी कंपनी ने बनाया है, और जो भी हम करंटली वर्जन सीखना स्टार्ट कर रहे हैं वो है 2018 आफ्टर इफेक्ट CC का फुल फॉर्म होता है क्रिएटिव क्लाउड, और जो वर्जन है मेरे पास वो है 2018 जो लेटेस्ट है अभी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपको जानना कि आफ्टर इफेक्ट का कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट का जो यूज़ है वो VFX में ज़्यादा होता है, मूवीज़ बनाने में, मूवीज़ के जो अलग अलग विजुअल आर्ट्स है, जो VFX कंपोजिशन है वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट का सबसे ज़्यादा भी यूज़ हो रहा है। उसके अलावा मोशन ग्राफिक्स, उसके अलावा आप वेब में भी यूज़ कर सकते हो, कंपोजिशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, और 2D एनिमेशन में भी आप यूज़ कर सकते हो, 3D कंपोजिशन बनाना हो, 3D कैमरा है, 3D लाइट है, 3D डेप्थ व्यू है, अलग अलग फुटेज, अलग अलग रॉ मटेरियल को आप ला के उसके अंदर आप इफेक्ट ऐड कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट, इन शॉर्ट में आफ्टर इफेक्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ही डेप्थ में है, इन डेप्थ में पूरा सॉफ्टवेयर है, इन डेप्थ सॉफ्टवेयर है जिसमें आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हो, आप 3D कंपोजिशन सेट कर सकते हो, आप मोशन ऐड कर सकते हो, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन या मोशन ग्राफिक्स, या आप बैनर्स बनाने हो, VFX मूवी के अंदर मैक्सिमम यूज होता है, ट्रैकिंग करना हो, कंपोजिशन करना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हम आपको दिख रहा है वो आफ्टर इफेक्ट का UI है, जिसमें यहाँ पे अभी मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, टू क्रिएट अ न्यू कंपोजिशन और अ न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज। तो जो आफ्टर इफेक्ट है वो आपको इमेज में भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन 99% हमारे पास जो वीडियोस होते हैं उसके लिए हम आफ्टर इफेक्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम वीडियो सिलेक्ट करके कंपोजिशन उसी साइज़ का बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम न्यू कंपोजिशन फॉर फुटेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कंपोजिशन यानी क्या, कंपोजिशन यानी कि हम फोटोशॉप के अंदर जो न्यू फाइल लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू कैनवास, न्यू इमेज, फाइल मेनू में जाके हम जो फोटोशॉप में न्यू फाइल लेते हैं उसी तरह यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिशन कहा जाता है कि आपको कौन सा कंपोजिशन तैयार करना है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में आप इमेज को, टेक्स्ट को, वीडियो को, इफेक्ट्स को, सबको ऐड करके एक कंपोजिशन बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका नाम जो है वो कंपोजिशन दिया है। तो ये आफ्टर इफेक्ट का बेसिक UI है। यहाँ से आप उसका पूरा टाइमलाइन है, इसको अगर आपको पता हो तो फोटोशॉप में टाइमलाइन आता है कुछ इस तरह का है, थोड़े बहुत चेंजेस है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट विंडो है, देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट विंडो है, जैसे हम
फोटोशॉप में हमारा जो लेयर्स पैनल होता है उस तरह से कुछ यहाँ से आप अपने फुटेज या तो फिर अपने इमेज जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट में ला सकते हैं और यहाँ पे आप उसका इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये हमारा प्रीव्यू विंडो है, यहाँ से भी हम नव न्यू कंपोजिशन ले सकते हैं। ये हमारा एक टूल्स है जो फोटोशॉप में टूल्स है वही है, और थोड़े बहुत दूसरे टूल्स हैं। ये हमारा फाइल मेनू है, यहाँ से हम अलग अलग स्क्रीन के जो सेटिंग्स से है वो चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट रखना है और स्टैंडर्ड रखना हो, स्मॉल स्क्रीन पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो ये ऑप्शन ऑन करना हो, कलर करेक्शन करना हो और ट्रैकिंग करना हो, इस तरह से आप यहाँ से वर्क प्लेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने कस्टमाइज मेरा वर्क प्लेस सेट किया हुआ है, कलर करेक्शन करना है, कुछ इफेक्ट अगर आपको ऐड करनी है, ग्राफिक्स एसेशनल ग्राफिक्स ऐड करना है, लाइब्रेरी का यूज़ करना है, मोशन ट्रैकिंग करना है, स्मॉल स्क्रीन में अगर आप वर्क कर रहे हो तो स्मॉल स्क्रीन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट में जो हमारा फोटोशॉप का विंडो था उस तरह का कुछ विंडो है यहाँ पे, यहाँ से आप अलग अलग विंडो प्लेट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। पूरा एनिमेशन मेनू दिया है, एक इफेक्ट मेनू दिया है जिसमें से हम इफेक्ट ऐड कर सकते हैं हमारे फुटेज पे। लेयर पैनल दिया है, यहाँ से आप न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ओपन लेयर कर सकते हो, मास्किंग कर सकते हो। लेयर के रिलेटेड जैसे फोटोशॉप में लेयर मेनू है पर उसी तरह से कुछ यहाँ पे लेयर मेनू पूरा दिया है। यहाँ से जैसे फोटोशॉप में इमेज मेनू है उसी तरह से यहाँ पे कंपोजिशन मेनू भी है, कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ भी हमें चेंज करना है कंपोजिशन से कर सकते हैं। एडिट मेनू है, कट कॉपी पेस्ट करना हो, कुछ डुप्लीकेट करना हो, ट्रिम करना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, सारे वही ऑप्शंस दिए हैं जो फोटोशॉप में मोस्ट ऑफ है। फाइल मेनू सभी सॉफ्टवेयर में कॉमन से रहते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू फाइल, ओपन, क्लोज, एग्जिट। तो ये इस तरह का कुछ इसका ओवरव्यू मैंने आपको दिया जो मुझे समझ में आता है, जो मैं समझता हूँ उस तरह का कुछ मैंने आपको समझाया। प्रोजेक्ट फाइल यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम टाइमलाइन जो है उसमें हम इफेक्ट दे सकते हैं, ये अलग अलग यहाँ पे प्लेट्स रहेंगे और यहाँ से हम न्यू कंपोजिशन सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एक न्यू कंपोजिशन बना रहा हूँ, तो यहाँ से भी एक न्यू हम कंपोजिशन बना सकते हैं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं और फाइल मेनू में जाके भी यहाँ से हम न्यू कंपोजिशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्रिएट अ न्यू कंपोजिशन। जैसे ही हम कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको किस तरह का कंपोजिशन बना रहे हो यहाँ से आपको नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ अभी टेस्ट या तो फिर फर्स्ट फर्स्ट लेसन। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, बेसिक, एडवांस एंड 3D रेंडर। तो बेसिक में सब यहाँ पे बेसिक पैरामीटर है, प्रीसेट यहाँ पे डायरेक्ट आपको वीडियो के जो साइज है वो मिल गया, HD TV, HD DVD, HD TV, NTSC से लेना है, जो भी आपको साइज सिलेक्ट करना है, 4K 2K, सिनेमा पूल, सिनेमा हॉल, HD रखना है, DV रखना है, HD+ HD TV रखना है। आप यहाँ से साइज डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हो, एक्सेप रेशियो जो है उसको लॉक कर सकते हो, पिक्सल एक्सेप रेशियो कौन सा रखना है जो फोटोशॉप में था वही सारा ऑप्शन है, फ्रेम रेट बाई डिफॉल्ट फ्रेम जो होते हैं वो अलग अलग कंट्री पे अलग अलग रहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग जो भी रूल्स है हमारे मीडिया के उसके हिसाब से रहते हैं, लेकिन अभी जो करंटली जो फ्रेम रेट चल रहा है वो 60 पर सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में आपके कितने फ्रेम प्ले होने वाले हैं, फ्रेम पर सेकंड, तो 60 यानी कि 60 फ्रेम पर सेकंड हमारे प्ले होंगे। अभी करंट जो फ्रेम रेट है वो यही चल रहा है, बहुत ही स्मूथ आउटपुट चलता है और फास्ट चल रहा है। रिजोल्यूशन कैसा रखना है आपको, फुल रखना है, हाफ रखना है, कितना यहाँ पे BPC रहेगा, इसका साइज कौन सा रहेगा, स्ट्राइक टाइम कोड कौन सा रखना है और कितनी सेकंड का, कितनी मिनट का, कितने आवर्स का आपको एनिमेशन या तो फिर ये कॉम्पोजिशन है वो चाहिए, आप किस तरह का एनिमेशन करने वाले हो। तो यहाँ से आप ड्यूरेशन जो है वो सेट कर सकते हैं कि मैं जो ये वीडियो एडिट करूँगा या तो फिर जो भी इफेक्ट दूंगा, तो जो भी मैं कंपोजिशन बनाऊँगा
आपको 30 सेकंड का, 30 मिनट का, 30 घंटे का, 1 घंटे का रहेगा, वो आपको यहाँ से डिसाइड करना है। ये पैरामीटर हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, आपको जो भी आप नया कंपोजिशन ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड का कलर कौन सा रखना है, जो भी आपको कलर रखना हो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद एडवांस, एडवांस में आप प्रिजर्व फ्रेम रेट व्हेन नेस्टेड और रेंडर, यहाँ से आप शटर एंगल चेंज कर सकते हो, मोशन ब्लर का शटर स्पेस चेंज कर सकते हो, सैंपल पर फ्रेम्स जो है वो आप चेंज कर सकते हो, एडेप्टिव सैंपल लिमिटेड लिमिट वो आप सेट कर सकते हो। जो 3D रेंडर करना है, अगर आप सिनेमा 4D है उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है एडोब ने, तो वहाँ से अगर आप कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बना के ला सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे ऑन द स्पॉट एडिट कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। कि साथ साथ में अगर मैं 3D सिनेमा 4D में काम कर रहा हूँ, यहाँ से प्रोफाइल ला के मैं यहाँ से कंपोजिशन सेट कर रहा हूँ, यहाँ से वो फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक पैरामीटर थे, एडवांस पैरामीटर थे, यहाँ से मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो, अगर पता ना चला हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, तो मैं इसके जवाब आपको दूंगा। तो यहाँ से देंगे हम ओके, जैसे ओके देंगे तो एक हमारा कॉम्पोजिशन जो है वो ऐड हो चुका है। अभी यहाँ पे एरर आ रही है, रिफ्रेश डिसेबल रिलीज कैप्सूल लुक लॉक टू रिफ्रेश आफ्टर इफेक्ट में। अगर आपको रिफ्रेश करना है, अगर आपने भूल से कैप्सूल लॉक ऑन रखा है, तो इस तरह का कुछ एरर आ जाएगा, तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कैप्सूल लॉक ऑन है तो उसको ऑफ कर दीजिए, तो वो एरर जो है वो चला जाएगा। स्क्रोलिंग जो माउस में, माउस जो है हमारा, उस माउस में 3 बटन आते हैं, लेफ्ट राइट और मिडल क्लिक, तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको स्क्रोल करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ न्यू आ जाएगा फाइल। तो एक ये कॉम्पोजिशन मैंने बनाया, दूसरा हम यहाँ से भी कॉम्पोजिशन ले सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था, फाइल न्यू न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ से भी हम न्यू कॉम्पोजिशन ले सकते हैं। न्यू कॉम्पोजिशन, यहाँ से हमें कौन सा साइज लेना है, तो मुझे जो भी साइज लेना है 2K लेना है, या तो फिर 4K लेना है, या तो फिर मैं अभी HDTV ले रहा हूँ, और यहाँ से दूंगा ओके। साइज आ गया मेरा, यहाँ से स्क्रोल से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा टाइमलाइन विंडो है, ये हमारे टूल्स बॉक्स है। सबसे पहला जो टूल्स है वो सिलेक्शन टूल है, शॉर्टकट है उसका V, और उसके बाद है हैंड टूल। हैंड टूल आपको पता है, जूम टूल आपको पता है, जूम इन जूम आउट करना है, ऑल्टर प्रेस करेंगे तो जूम आउट होगा, स्पेस दबाएंगे तो हैंड बार हैंड टूल आ जाएगा। उसके बाद ये रोटेट टूल है, रोटेट करना हो, अभी रोटेट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसका 3D जो है वो ऑन नहीं किया हुआ है। उसके बाद ये कैमरा व्यू है, कैमरा अगर हम डालेंगे तो उसको जूम करना, उसको मूव करना, ये मूव टूल है, कैमरे को मूव करना, ये तीनों ऑप्शन जो है कैमरे के लिए है। उसके बाद रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल और स्टार टूल है। रेक्टेंगल सिंपल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके मूव करना है, उसका साइज जो है वो छोटा बड़ा करना है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। यहाँ पे शेप लिया लिखा हुआ आ जाएगा, अगर इसका नाम बदलना है तो हम यहाँ से एंटर दबाएंगे, एंटर दबा के फिर हम यहाँ से इसका नाम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है राउंड रेक्टेंगल टूल, तो राउंड रेक्टेंगल हम बना सकते हैं। याद रखिएगा, आप जब कभी भी कुछ भी नया क्रिएट करना चाहते हो, तब आपको जो ये है यहाँ पे ये वाला, ये जो आपको लेयर नेम यहाँ पे दिया रेक्टेंगल, ये जो लेयर है वो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, डिसलेक्ट होना चाहिए। अगर आप इसको सिलेक्ट रख के दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको ये मास्क कर देगा और इसके अंदर यहाँ पे ड्रॉ करेगा रेक्टेंगल ऑन रेक्टेंगल टू, फिर प्रॉब्लम होंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी अगर आपको मास्किंग नहीं देना है, तभी इसको डिसलेक्ट रखना है और फिर ड्रॉ करना है, तभी ये नया शेप लेयर ऐड करेगा। एंटर देंगे, एंटर दबाने के बाद इसको नाम देंगे रेक्टेंगल टू। राउंड रेक्टेंगल मैंने बनाया, एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, दोनों के अलग अलग नाम दे दिए, लेयर नेम।
उसके बाद यहाँ पे एलिप्स टूल है, सर्कल मुझे बनाना, ये सिंपल चीज़ें हैं, आप भी देख सकते हो अगर आप अच्छे एक डिज़ाइनर हो, आपको कोरल फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो डायरेक्टली आप ये टूल जो है वो आप सीख सकते हो, इसमें मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, स्टार टूल्स है। अब इसकी थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे फिल कलर आपको कौन सा रखना है ऑब्जेक्ट का, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रोक का कलर कौन सा रखना है, स्ट्रोक की साइज़ क्या रखनी हो, डायरेक्टली आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। रेक्टेंगल जियोमेट्री ऐड करना है, फिल करना है, स्ट्रोक करना है, ग्रेडियंट फिल करना है, ग्रेडियंट स्ट्रोक देना है, तो भी आप यहाँ से दे सकते हो। तो ये आपके ऊपर रहता है कि आपको इसमें क्या चेंज करना है, जो आपको प्रॉपर्टी ऐड करनी है वो डायरेक्टली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। स्ट्रोक वन, स्ट्रोक टू, उसका मोड कौन सा रखना है वो भी आप ऐड कर सकते हो। सिंपल ये टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद पेन टूल दिया है, पेन टूल आपको पता ही है, फोटोशॉप में हम जैसे यूज़ करते थे उस तरह का कुछ है, आपको भी अगर यूज़ करना है तो कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से स्ट्रोक में भी हल्का कर रहा हूँ, तो इस तरह से कुछ हम पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल में वही सारे ऑप्शंस हैं, माइनस पॉइंट निकालने हैं, ऐड करने हैं, तो ऐड एंकर पॉइंट टूल है। उसी तरह से यहाँ पे कन्वर्ट वर्टेक्स टूल है, वर्टेक्स को अगर हैंडल में कन्वर्ट करना है, इंडिविजुअल हैंडल को हमें मॉडिफाई करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट टूल है, सिंपल आपको टेक्स्ट लिखने हो कुछ भी तो आप लिख सकते हो, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे रहेगी, यहाँ से आप साइज जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं।